तो आइए बातचीत करते हैं लोकसभा चुनाव की और शुरुआत करते हैं। जी बताइए, क्या मुद्दे हैं यहाँ के और किस मसले पर आप मतदान करेंगे? मैं जाऊंगी आपसे बात करो। स्वागत है आपका, क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ मैडम। अच्छा, यहाँ के क्या मुद्दे हैं? मुद्दे सब खत्म कर दिए शिवराज जी ने। अच्छा जी, विकास हुआ है यहाँ पर बहुत जोर से, बाईपास ओवरब्रिज बहुत अच्छा काम हुआ। तो कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर कहाँ दिख रहे हैं? वो तो दिख ही नहीं रहे, कहीं नहीं। इस सीट की खासियत ये भी है, बहुत ही अहम सीट है ये। जरा सोचिए, जिस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज ऐसे कद्दावर नेता यहाँ से निकले हैं, संसद पहुंचे हैं, तो वैसे में इस जगह की अहमियत भी बहुत बढ़ जाती है। बल्कि पत्रकारिता में सबसे ऊंचा नाम, सबसे आदरणीय नाम रामनाथ गोयनका यहाँ से चुनाव लड़े थे जनसंघ की तरफ से। ये बताइए कि मुद्दे क्या है यहाँ के, विकास हुआ है? यहाँ आप देख तो रहा, कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ की 18 साल मुख्यमंत्री रहे, 5 बार सांसद रहे, आप चल के देख लीजिए, मैं झूठे बोल रहा, आप बैतवा मैया को देख लीजिए, इतना प्रदूषित पानी है, इतना प्रदूषित पानी है, जानवर भी नहीं पीते उसको, ये व्यवस्था है। और सीवेज का लाइन का जो पानी, गटर का जो पानी है, वो बैतवा मैया में जाता है, आज तक शुद्ध पानी नहीं पिला पाए शिवराज जी। और इतना खौफ बना रखा है, यदि आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो कल आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, आपकी संपत्ति छीन ली जाएगी, आप पे अटैक कर दिया जाएगा, इतना डर है लोगों में, इतना डर है। मगर इसके बाद भी आदरणीय प्रताप भानु शर्मा जी दादा के नाम सुनते से ही पूरा परिवार गांव गांव घर घर जा रहा है। यदि इतना विकास किया होता तो घर बैठे चुनाव जीत जाते, ये है हालत। और आप इनमें से कम 10 लोगों से पूछ लीजिए, यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं उनका नाम तक नहीं जानते। यदि इनमें से पूछ लीजिए, यदि वर्तमान सांसद भाजपा के उसके नाम नहीं जानते। रामाकांत भार्गव जी वो रिकॉर्ड वोटों से जीते थे, कितना जीते थे, लेकिन लौट के कभी नहीं आए मैडम यहाँ से। जनता ने बहुत सपोर्ट किया लेकिन लौट के अभी तक नहीं आए। और आप जो विकास देख तो रहे मैडम, ये मेन मार्केट की सड़क है, ठीक स्टेशन सामने है हमारे, ठीक स्टेशन विदिशा स्टेशन के पास है हम। ये VIP सीट बोलते हैं इसको, हॉट सीट बोलते हैं, VIP विकास, हॉट विकास दिख रहा है आपको कहीं? जो होना चाहिए, जैसे 20 साल मुख्यमंत्री रहे शिवराज जी और सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, लेकिन विदिशा उस स्तर तक पहुंचा नहीं पाया जिस स्तर तक उन्हें ले जाना था। ये मैडम मैन मुद्दा बात करते हैं। आप बताइए क्या करते हैं आप यहाँ पे? पान की दुकान है। पान की दुकान है, तो लोग आते होंगे, खूब चर्चा होती होगी, राजनीतिक चर्चा होती होगी? कोई चर्चा नहीं हो रही, सब शांत है, साइलेंट है, साइलेंट है बिल्कुल। सोचना है क्या यहाँ पर, जहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जहाँ के प्रत्याशी हो, वहाँ भी जनता सोच रही है क्या? तो अभी तक कोई कोई खबर ही नहीं मिल रही कि चुनाव है, बिल्कुल इतना शांत माहौल है कि लगता ही नहीं है कि चुनाव है। विदिशा के वोटर्स जो हैं वो साइलेंट हैं इनकी बातों से लग रहा है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं। अच्छा, तो आपकी बहुत VIP सीट है विदिशा, और एक से एक दिग्गज यहाँ से चुनाव लड़े हैं, आप लोगों ने उनको संसद तक पहुंचाया है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, सुषमा स्वराज हो, अब जो है वापस सांसदी लड़ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, आशीर्वाद मिले? वो तो साहब एक बात है, कोई भी आ जाए सब बराबर है, काम कोई नहीं करता। विदिशा कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ मंडी की हालत बेकार है, किसान बहुत परेशान होता है, भाव भी सही में नहीं मिलता है, और वहाँ जाके व्यवस्था इतनी गड़बड़ है, कुछ किसान दो दो तीन दिन तक परेशान रहता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।